सबका बदला लेगा हमारे, और करण भैया भी हमारे सबका बदला लेगा, बाप का दादा। जीने पे तीन तीन लोग खड़ा है बताओ, एक जीने पे, एक जीने पे तीन तीन लोग खड़ा और काम कर रहे हैं लोग बताओ। क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में और स्वागत कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट। ये देखो ये है पोहा इंदौर का और ये है चाय, और हमारे मुन्ना भैया को अच्छा नहीं लग रहा है। सुनील भैया ने तो फटाफट ख़त्म कर लिया। ये भी राकेश भैया भी लगे हुए हैं और मैं भी लेके बैठा ही हुआ। तो भाई इंदौर का खाना है ना, इंदौर के जैसे ही है भाई पोहा चाय। दोपहर में क्या खाना मिलता है, मतलब के ये है ना, ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये बेसन का आइटम ज़्यादा मिलता है इंदौर में, पर अच्छा लग रहा है पोहा सुबह सुबह। चलिए खा रहे हो, क्या बात होगा लिया क्यों था, देखो मिर्ची मांग के फिर खा नहीं रहे बताओ। तो गाइस खा पी के मिलते हैं आप लोगों से, साइड पे ही मिलेंगे डायरेक्ट। तो गाइस सुबह से हमने कुछ अपडेट नहीं दिया, क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि आते ही काम में ज़्यादा बिजी थे, और अभी लंच करके बालकनी में बैठे हुए फूल सेक रहे हैं। और यहाँ का ये स्टेडियम है, इंदौर का ये स्टेडियम है, ठीक है, ये इंदौर का स्टेडियम है। और अभी हम जहाँ पे हैं ये कोई हाईवे है, और जिस बिल्डिंग में हमें ना कल पत्रों में, इसके नीचे सारा ब्रांडेड शोरूम है, मतलब मॉल टाइप तो नहीं है पर हाँ ये सारा शोरूम है नीचे। तो अब देखते हैं शाम को अपडेट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, क्योंकि आज काम कुछ ज़्यादा ही है और शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो शाम को अपडेट देते हैं क्या कर पाते क्या नहीं कर पाते यहाँ पे। एक जीने पे तीन तीन लोग खड़ा है बताओ, एक जीने पे तीन तीन लोग खड़ा और काम कर रहे हैं लोग बताओ, मेहनत वहीं ले आके छोड़। क्या बोलूं तुझे, जीना वहीं ले आके छोड़ भाई, सर का मतलब लाडला बिगड़ गया, सर का मतलब बहुत खराब शब्द होता है इसी के लिए नहीं बोल सकते हैं, माँ का लाडला बिगड़ गया। एक मेरा उधर है जो टकला वो साला है उसको सुधार दे। ये जीजा है ना, साला जी, ये दोनों साला जीजा है। अब ये नहीं पता कौन साला कौन जीजा, दोनों में लड़ाई होता रहता है, दोनों लड़ाई करता रहता है। ए सुनील भाई तुम्हें टकला बोला बोलने तू, बताओ। मैं अगर टकला बोल दूं तो बुरा लगता, वो टकला बोला तो कुछ नहीं, बताओ भाई सराफत का जमाना नहीं। साइड बैग इतनी भसूड़ी फैली है ना, हर चीज को छोटा बड़ा, दिल दिमाग खराब हो गया कटवा के। ये देखो सुनील भैया देख रहे हो, वाह वाह मेरे भाई वाह, सुनील भाई ने आज तो महान काम कर दिया, शटर पल्ला लगा दिया सुनील भैया ने हमारे, तो है सुनील भैया इतना मेहनत, इतने लगन से मेहनत, चक्कर क्या है, बोनस मिलने वाला है क्या इस बार दिवाली पे, है दिवाली पे बोनस मिलने वाला है ना। और इधर देख लीजिए पूरी वैनिटी खत्म कर दी काट के, बताओ पूरी वैनिटी खत्म, इतना मेहनत कर रहे हो तुम लोग, बोनस मिलने वाला क्या दिवाली पे, अरे बोनस नहीं मिलेगा इस बार दिवाली पे, बोनस मिलने वाला हमारे भैया, मेहनत से जो काम कर रहे पूरी वैनिटी खराब कर दिया है। क्या मिलेगा भैया, चिल्ली चिल्ली मिलेगा, बोनस मिलेगा ना, हाँ बोनस मिलेगा, आज दिवाली पे बोनस मिलने वाला है इन लोगों को, तुमको तो मिलेगा, जूता चप्पल भी मिलता है। ये देखो भाई इस वाले सामने वाला जो बेड टीवी पैनल है इस पे भी लाइट लग गया, ये देख लाइट के बाद तो लुक आ जाता है यार चीज़ों का। ये पूरा पैनल पे लाइट लग गया, LED स्ट्रिप, ठीक है इसके लाइट लगी हुई है, और ऑफिस में भी लाइट लग गया है वो भी दिखेगा लोगों को, ऑफिस का लाइट दिखाई दिया। दूसरे दिन है तुम कुछ काम वाम करा जो भी करा, थक कर कुछ करा नहीं, ब्लॉग आज फिर से लगे देख रहे हो, सारे हमारे यहाँ पे कारीगर हैं, सब मेहनत करते मिलजुल के। देखो इधर हमारे सुनील भैया लगे हुए हैं कॉपी में,
इधर है हमारे करण भैया लगे हुए हैं खोलने में, ये भैया सपोर्ट कर रहे हैं, और मुन्ना भैया टेंशन में है। कहाँ भैया क्या टेंशन है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग सब अच्छे साथ हैं। तो करण बहस देख लो, बहस तो हर कोई करेगा और काम भी हर कोई करता है। चंदन अरे मिल जाएगा, क्यों टेंशन दे रहा है। ये देखो लाइट प्रोफाइल हमारे सुनील भैया लगा रहे हैं, जहाँ पे सुनील भाई होंगे ना वहाँ पे किसी को टेंशन नहीं होगा खाने का पीने का, सबका बदला लेगा हमारा सुनील भाई है। सुनील भैया सबका बदला लेगा, सुनील भैया सबका बदला लेगा हमारे, और करण भैया हमारे सबका बदला लेगा, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा करण। हमारे करण अर्जुन आएंगे खाएंगे एक दिन, हम हमारे नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे, हमने इज्जत दिया ना, इज्जत देना गलत है। नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे, मुन्ना भैया इज्जत देना गलत है। मैंने यहाँ पे रेती रखी थी, रेती ले लिया तो रात हो गया आज भी। ये देखो ये एक क्रॉकरी यूनिट कर दी है टाइट, अभी सब लगे हुए हैं, मैं थोड़ा सा जरा गया बालकनी में, और ये देखो नज़ारा इंदौर सिटी का नज़ारा, कोई स्टेडियम दिख रहा है जो लाइट दिख रही है, और ये कोई मॉल है मेरे सामने, और जो इंदौर में साफ़ सफाई है ना 6 साल से वर्ल्ड मतलब कि इंडिया का नंबर 1 पे है सफाई के मामले में, और प्रदूषण तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में तो सांस लिया नहीं जाएगा पीछे टाइम पर, और यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो बस आज का यही वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो अपने फ्रेंड में, और जो नहीं मेरे चैनल के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और दूसरा दिन किया running beside the lion.